हेलो भाई, मैं दोबारा आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं इंडियन वर्सेस साउथ कोरियन ब्रांड्स का। ये है टाटा की हैरियर और ये है ह्यूंडई की क्रेटा। अभी दोनों ही ये टॉप वेरिएंट्स हैं, दोनों ही ब्लैक कलर में हैं। अगर इसकी बात करें तो XZA प्लस ऑप्शनल है, अगर क्रेटा की बात करें तो ये है अपना SX ऑप्शनल। तो आज टोटली कंपैरिजन करने वाले हैं लुक्स, फीचर्स, प्राइस वगैरह का, कौन सी गाड़ी बढ़िया है, क्योंकि बहुत लोग हैं भाई जो कंफ्यूज रहते हैं टाटा की हैरियर लूँ या फिर ह्यूंडई क्रेटा लूँ। अभी ये दोनों गाड़ी का सेगमेंट बिल्कुल डिफरेंट, लेकिन अगर आप प्राइस वाइज कंसीडर करते हैं तो गाड़ियों में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। सेगमेंट में हैरियर की वैसे कॉम्पिटिशन जो आती है वो MG की हेक्टर हो गई या फिर अभी ह्यूंडई की एल्काज़ार हो गई, ये सब इसके कॉम्पिटिशन में आती हैं। वहीं अगर आप इसकी बात करते हैं तो किया सेल्टोस वगैरह गाड़ी से ये कम्पीट करती है। टाटा हैरियर की लुक इस तरीके की आपको मिलती है, टाटा का लोगो इस तरीके की, इसमें आपके ग्रिल यहाँ पे अपने को मिल जाते हैं, इसमें DRLs यहाँ पे अपने को मिलते हैं, इसके अंदर अपना लाइट्स, यहाँ पे अपना प्रोजेक्टर हो गया, यहाँ पे फोग लैंप हो गया, दोनों ब्लैक कलर में हैं। तो आप बताइएगा जरूर कमेंट्स में कौन सी ज़्यादा अच्छी लग रही है। वैसे रियल लाइफ में मस्कुलरिटी की बात करें तो नो डाउट टाटा हैरियर में ज़्यादा दम है, उस मामले में आप बात करते हैं। ये थोड़ी सी इसके कंपेरिजन में ना थोड़ी नीची नीची छोटी छोटी सी लग रही है भाई रियल लाइफ में। अगर आपसे बात बताऊँ तो इसमें आपको इस तरीके की अपना LED हेलमेट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे DRL आते हैं, यहाँ पे इसमें एक ग्रिल आती है जो कि ह्यूंडई की, आपको एक मतलब एक ही ग्रिल मिलती है ह्यूंडई की गाड़ियों में। अगर आप बात करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, अगर आप बात करेंगे तो जो टाटा हैरियर है वो इससे ज़्यादा ऊँची है। इसके अलावा मेन बात करें इसके टायर्स की तो इसमें मिलते हैं 215/60R17 इस तरीके का अलॉय व्हील इसमें आते हैं। अगर आप इसकी बात करते हैं टाटा हैरियर की तो इसमें 235/65R17 मतलब दोनों में 17 इंची का आते हैं। लेकिन अगर आप इसकी मोटाई की बात करोगे ना तो ये बहुत मोटा टायर है भाई, इसमें 235 की प्रोफाइल है, इसमें कुल 215 की है। तो ये देखिए आप इसका जो वेट है टायर का वो कितना डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे ORVMs आपको इस तरीके के मिलते हैं, यहाँ पे 10 इंडिकेटर इस तरीके का आते हैं इसमें LED, यहाँ पे अपने को नॉर्मल इस तरीके के मिलते हैं। नीचे की तरफ इसमें पडल लैंप भी मिलता है, ऑटो फोल्ड वाले दोनों में आते हैं, इसमें कोई भी पडल लैंप यहाँ पे नहीं दिया गया है। यहाँ पे डार्क की बैजिंग मिलती है, यहाँ पे ऑटो की बैजिंग आती है, दोनों ही ऑटोमेटिक वाले वेरिएंट भी हैं, मतलब बिल्कुल टॉप, बिल्कुल ऑटोमेटिक। SX ऑप्शनल ऑटोमेटिक डीजल में और ये XZA प्लस डीजल ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक के पीछे भी बैजिंग आती है यहाँ पे, इसमें फेंडर पे आती है क्रेटा में उधर साइड ड्राइवर साइड, लेकिन यहाँ पे आपको मिलेगी। अभी पीछे से लुक्स देख लो आप भाई कैसी लुक्स हैं दोनों की। अच्छा प्राइस का थोड़ा सा आइडिया दूँ भाई, ये पड़ती है 19.5 लाख रुपए की हरियाणा में ऑन रोड, ये पड़ती है 23.5 लाख रुपए की हरियाणा में ऑन रोड। तो प्राइस का डिफरेंस अगर आप देखते हो तो बहुत ज़्यादा आ जाता है, 4 लाख रुपये करीबन आप मान लो। तो बिल्कुल क्रेटा बच्ची सी लगती है हैरियर के सामने, रियल लाइफ में अगर मैं देख रहा हूँ ना बिल्कुल बच्ची सी। खैर अभी मेन डिटेल्स की बात कर लेते हैं, टाटा का लोगो है, यहाँ पे रियर कैमरा मिलता है, यहाँ पे हैरियर भी लिखा गया है, यहाँ पे ऑटोमेटिक की बैजिंग है। टाटा हैरियर में इतनी बड़ी कार में आपको केवल 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलते हैं, 4 नहीं दिए गए हैं। यहाँ पे देख लो आप 1 और 2, केवल 2 हैं। पता नहीं भाई ऐसी कॉस्ट कटिंग कैसे कर दी टाटा ने, उसमें आपको 4 के 4 मिल जाते हैं। यहाँ पे इसमें आते हैं इस तरीके की अपना टेल लाइट्स, ये बहुत प्रीमियम लगते हैं भाई देखने में। ये इंडिकेटर हो गया, यहाँ पे भी अपने लाइट जलती है। उसके अलावा अगर आप बूट स्पेस की बात करोगे तो इतना कुछ बूट स्पेस आपको मिलता है, आपकी स्क्रीन पे है एज इट इज़ आपको कितने का मिलेगा। यहाँ पे पार्सल एड्रेस में मिलती है टॉप ब्रांड में, बाकी ये आप तो मार्केट वाली चीज़ें आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे GBL का स्पीकर सिस्टम आता है, इसमें बहुत प्रीमियम स्पीकर्स हैं, उसमें क्रेटा में बोस के आते हैं, GBL की आपको बैजिंग भी मिलेगी, बूट में भी एक दिया गया है स्पीकर। बाकी बात करते हैं यहाँ पे अपने को बाकी सारे मोबाइल जाते हैं, जैक वगैरह या फिर अपना टूल किट जिससे आप बोलते हैं, स्पेड टायर आपको इसमें नीचे एक तरफ मिलेगा, यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो ये है भाई इसका, ये आपको स्टील रिम ही मिल रहा है और एक साइज़ कम ही मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं, नहीं 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 हाँ R16 ही है, ये R16 आपको मिलता है। और यहाँ पे अपने को एक बूट लैंप भी इसका देखने को मिल जाता है, बाकी यहाँ से पकड़ के इसको बंद कर सकते हैं। टाटा गाड़ियों में इतनी फिट एंड फिनिश आपको अच्छी नहीं मिलेगी, यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं बिल्कुल निकला हुआ है और बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है। यहाँ पे आप देख लो फिट एंड फिनिश, आपको काफ़ी स्पेस वगैरह मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत यहाँ पे कमी रह जाती है, बाकी और तो सब सेट है भाई। हैरियर लिखा गया है और रियर वाइपर डिफोगर आपको मिल रहा है, इस तरीके का स्पॉइलर मिल रहा है, शार्क फिन एंटीना और रूफ रेल्स आती नहीं है हैरियर में, ही आफ्टर मार्केट वाला सीन है। बाकी ये इस तरीके का डिज़ाइन बनाया गया है कि आपको ऐसा लगे कि डुअल एग्जॉस्ट है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं क्रेटा की अगर बात करोगे तो बहुत आम गाड़ी है, आप सभी को पता है, हाई स्टॉप लैंप हो गया, ह्यूंडई का लोगो क्रेटा लिखा गया, इस तरीके की टेल लाइट हो गई, ये जो जलते हैं रियर वाइपर डिफोगर स्पॉइलर हो गया, शार्क फिन एंटीना रूफ रेल, स्किड प्लेट, 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको इसमें क्रेटा में पूरे मिल जाते हैं,
एक ही आपको रियल वाला ही मिलता है एग्जॉस्ट पाइप। यहाँ टोइंग हुक SX की बेजिंग है, कैमरा भी इसमें आता है। यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो यहाँ पे 433 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है, प्लस बोस के स्पीकर की एक इसमें भी आपको बूट में भी स्पीकर दिया गया है जैसा उसमें मिलता है, लेकिन ब्रांड अलग है। उसमें JBL का मिलता है, यहाँ पे अपने को मिलेगा बोस का स्पीकर सिस्टम। और अगर आप इसके स्पेयर टायर की बात करोगे तो यहाँ पे भी स्टील रिम आएगा और एक साइज इसका कम रहेगा, बाकी जो 17 इंच के वैसे आ रहे हैं इसमें, लेकिन ये 16 इंच का आपको मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक बूट लैंप भी हुंडई क्रेटा में दिया जाता है। अभी मेन बात कर लेते हैं इंटीरियर की, लेकिन उससे पहले कीज़ की बात करते हैं। कीज़ में किस में ज़्यादा फीचर्स हैं, तो ये है अपनी हैरियर की चाबी, ये है अपनी हुंडई क्रेटा की चाबी। यहाँ पे लॉक अनलॉक, अभी एक फीचर और एक्स्ट्रा है, अगर आप इसको होल्ड करके रखेंगे तो कार अपने आप स्टार्ट हो जाएगी, और एक बूट अनलॉक करने का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है हुंडई क्रेटा में। हैरियर की बात करते हैं तो लॉक अनलॉक, ऑटो फोल्ड वाले मिरर्स दोनों में ही हैं, लॉक अनलॉक करने पे कीलेस एंट्री दोनों में ही है। यहाँ से आप इसमें लाइट भी जला सकते हैं, एक फीचर ये, और बूट अनलॉक आप कर सकते हैं। वैसे एक बात है, टाटा की इतना मजबूत लोहा है भाई कि मतलब आपको जान लगा के बंद करना पड़ता है तब ये बंद होती है। क्रेटा में आपको जान लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हल्की बॉडी है। इसमें वेलकम फंक्शन आता है, जैसे हम चाबी लेकर इसके पास जाएंगे तो इसके ओवरऑल अपने आप अनफोल्ड हो जाते हैं। कीलेस एंट्री आपको यहाँ पे मिल जाती है, मतलब जेब में अपनी चाबी हम इसके अंदर जा सकते हैं, और भी हम इस तरीके के आपको मिलेंगे। इलेक्ट्रॉनिकली आप एडजस्ट कर सकते हैं अपनी सीट को, ये फीचर दोनों गाड़ियों में है। लेदर की सीट्स मिलती हैं दोनों ही गाड़ियों में, अंदर बैठते हैं भाई। जो थर्ड साउंड इसमें मिलती है ना, वो आपको क्रेटा में नहीं मिलेगी बिल्कुल भी। यहाँ चारों पावर विंडो, आप कहेंगे आपकी इसके जो ओआरएम से उनको कंट्रोल करने का ऑप्शन कहाँ है, तो वो भाई यहाँ पे दिए गए हैं टाटा के द्वारा। अभी इसमें इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आता है, जैसे ही ये पार्किंग मोड पे है ना, इसको मैं ऑन करूँगा, कार अपनी स्टार्ट है, एसी वगैरह सब कुछ चल जाता है। इसके एसी कंट्रोल कुछ इस तरीके के आते हैं, ये इसका हो गया मीटर, यहाँ पे ये वाली स्क्रीन डिजिटल है, केवल जो स्पीडोमीटर रहेगा वो एनालॉग रहेगा। यहाँ पे पता चलता है स्पीड कितनी है भाई, क्या माइलेज दे रही है कार, इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह पता चलेगा, पावर टॉर्क वगैरह या ओडोमीटर वगैरह आपको यहाँ पे सारी जो फीचर्स हैं वो दिए गए हैं। अभी अगर आप स्टेयरिंग व्हील की बात करेंगे तो इसको आप टिल्ट एडजस्ट कर सकते हैं, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं है किसी भी गाड़ी में। यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल अपने को मिल जाते हैं, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल दोनों गाड़ियों में आते हैं, यहाँ पे अपने ऑटोमेटिक हेडलैम्प दोनों गाड़ियों में आते हैं। यहाँ टाटा एरियर में आपको ऑटोमेटिक वाइपर्स भी मिलते हैं, क्रेटा में ऑटोमेटिक नहीं आते वाइपर्स, केवल हेडलैम्प्स हैं वो ऑटोमेटिक आते हैं। यहाँ पे एक जो दिक्कत है जहाँ पे हैरियर पीछे रह जाती है वो है इसकी टच स्क्रीन। यहाँ पे आपको केवल ये ही पतली सी अपना जो हॉरिजॉन्टल है इस तरीके की स्क्रीन मिलती है, जबकि क्रेटा में जब मैं आपको लेके चलूंगा तो उसमें पूरी बड़ी 10.25 इंच की टच स्क्रीन है। तो फीचर्स यहाँ आती है ना बात फीचर्स की, तो वहाँ ये हुंडई और किया बाजी मार जाती है भाई, तो लोग इसीलिए उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आपको इसमें पता चलता है कि आप गाड़ी कैसे चला रहे हैं, एफिशिएंसी 5 out of 5, ड्राइविंग सेफ्टी, मतलब सब कुछ ओवरऑल आपको इसमें पता चल जाता है। इसमें एंड्रॉइड ऑटो कारप्ले भी है, प्लस अगर आपको पार्किंग कैमरा ऑन करना है तो इस बटन को आप दबाएंगे तो यहाँ पे आपका वो ऑन हो जाता है। इसका हैरियर का जो रियर कैमरा है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है भाई, और ये जो यूनिट है वो मतलब पीछे से कोई भी सपोर्ट नहीं है, इसी तरह इंक्लाइंड है, ऐसा लगता है कि इसी के साथ जुड़ी हुई हो, तो वो चीज़ एक सही लगती है। यहाँ पे बाकी बटन्स भी आपको मिल जाते, पेसी वेंट्स हैं, यहाँ पे अपना फॉग लैम्प वगैरह आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, यहाँ से अपना हजार लाइट्स ऑन ऑफ करने का है, यहाँ से अपना इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, स्पोर्ट ड्राइव मोड एक्टिवेटेड, तो ड्राइव, दो ड्राइव मोड्स आपको मिल जाते हैं क्रेटा में जब मैं आपको लेके चलूंगा, तो उसमें आपको अपना ट्रैक्शन के अलग मोड है, ड्राइव का अलग मोड है टॉप ब्रांड में। यहाँ पे एसी कंट्रोल हो गए दोनों गाड़ी में, ऑटोमेटिक एसी आता है, यहाँ पे अपने को एक यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, ऑक्स का मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं दिया गया भाई, ये इसका गियर लीवर हो गया इस तरीके का, रिवर्स न्यूट्रल ड्राइव मोड इस तरीके का हो गया। यहाँ पे अपने को हिल डिसेंट कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे अपने को मिल जाता है इसमें अपना ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने का। बाकी इसमें भी है वो जो अपना टेरेन का कंट्रोल होता है, ESP भी इसमें अपने को मिल जाता है, आस वगैरह का या फिर मड वगैरह का आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है। हैंड ब्रेक्स की कुछ अलग तरीके की मिलते हैं, इस तरीके की हैंड ब्रेक्स में आते हैं क्रेटा में, इलेक्ट्रॉनिक आएगी। यहाँ पे दो कप होल्डर्स है, यहाँ पे आर्मरेस्ट मिल जाता है विद सम स्टोरेज। यहाँ पे अगर आप बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पे अपना अच्छा खासा, बहुत बड़ा है भाई ये क्रेटा से, बहुत बड़ा आपको ये मिलता है। ये थोड़ी कमजोर क्वालिटी का है ये, अगर आप बात करते हो ना, यहाँ पे टाटा हमेशा मजबूत चीजें बनाती है, लेकिन हाँ ये बस पेपर रखने के लिए बना है। यहाँ पे अपने को मिल जाता है इलेक्ट्रोक्रोमिक अपना IRVM, यहाँ से हम इसमें पैनोरामिक सनरूफ आती है भाई टाटा हैरियर में, तो एक बार हम इस बटन को दबाएंगे तो देखना भाई कितनी बड़ी सनरूफ है इसकी, पूरी पूरी ओपन हो जाती है ये देखिए।
तो बड़ी सनरूफ आपको दोनों कार्स में मिल जाती है। पैनोरामिक की अगर आप बात करते हैं, यहाँ पे इनके कंट्रोल से अलग अलग है। ब्लाइंड फोल्ड अगर आपको करना है तो उसके लिए केवल यहीं पे बटन है, उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। उठानी है तो यहाँ से, और पीछे ले जानी है तो यहाँ से आप इसको पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डार्क एडिशन है XZA प्लस, जो कि नॉर्मल वाइट कलर से 20,000 रुपए के लगभग महंगा रहता है। यहाँ पे अपने को एक मिलता है ये लाइट के साथ एक मिरर भी, बाकी इसके अलावा यहाँ पे भी आपको कोई मिरर वगैरह नहीं मिलता है। बाकी अभी पीछे की बात करते हैं, स्पेस वगैरह क्या है टाटा की हैरियर में। तो यहाँ से चलते हैं भाई, ORVMs को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, फिर फोल्ड भी हम यहीं से कर सकते हैं। यहाँ पे अपने को मिल जाता है ये रिफ्लेक्टर, जिससे डोर खुला हुआ रहता है तो वो पता चल जाता है। स्पेस तो भाई इसमें बहुत ज़्यादा है जो अपनी टाटा हैरियर है, प्लस जैसी चाबी बाहर जाएगी तो ये इस तरीके से आवाज़ भी करने लग जाती है कि की इज नॉट इन द व्हीकल, और जैसे चाबी पीछे है तो डिटेक्ट नहीं कर पाते, तो इसको आगे ही अपने को रखना पड़ता है। स्पेस भाई एनी टाइम एनी डे टाटा हैरियर में आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है, पूरी खुली खुली कार महसूस होती है। क्रेटा में लेके चलूंगा ना तो आप भी कहेंगे ये तो बिछी बिछी सी गाड़ी लग रही है, तो स्पेस वाइज बहुत बढ़िया है भाई ये। मतलब आप समझ लो सफारी पे भेज रहे हैं और उसमें उन्होंने दो सीट्स एक्स्ट्रा डाल दी हैं इस बूट स्पेस के साथ भी, तो आप लगा लो जब हैरियर 5 सीटर है तो उसमें कितना स्पेस होगा। एसी वेंट्स आपको यहाँ पे मिलते हैं इसमें हैरियर में, यहाँ पे ना देखे यहाँ पे दिए गए हैं। JBL की आपको यहाँ पे जो ट्विटर है वो मिल रहे हैं, स्पीकर आपको मिल रहे हैं, बेजिंग आपको यहाँ पे मिल रही है, पावर विंडो आपको मिल रही है, और यहाँ पे अपना ये अपना सॉफ्टेस्ट मटेरियल हो गया, यहाँ पे लेदर लगाया गया जिससे प्रीमियम एक फील आती है। 6 एयरबैग इसमें आते हैं, एयरबैग की बेजिंग और अपना ये देखो पीछे तक पूरा फील आता है, ग्रैब हैंडल हो गया। यहाँ पे अपने को वाइड लाइट इसके अंदर मिल जाती है, और यहाँ पे अपने को मिल जाता है एक आर्म रेस्ट भी दो कप होल्डर्स के साथ। इसके अलावा छोटी छोटी चीजें अगर आप देखेंगे तो हैरियर में आपको ये एक अलग तरीके का कंपार्टमेंट भी मिल जाता है जहाँ पे आप और भी सामान कुछ रख सकते हैं, तो बहुत प्रैक्टिकल गाड़ी बनाई। यहाँ पे आप बोतल तो रख पाएंगे, उसके साथ साथ यहाँ भी कुछ अपना और सामान आप आसानी से रख सकते हैं। तो इसके अलावा इसको बंद करते हैं, एक चीज जो देखने की है वो है जैसे यहाँ पे अपने को एक रिक्वेस्ट सेंसर मिल रहा है, यहाँ पे Hyundai आपको पैसेंजर साइड ऑफर नहीं करती है, तो टाटा में पैसेंजर साइड है या नहीं वो चीज़ और हम दिखा देता हूँ मैं आपको कैमरे पे। तो टाटा हैरियर में आपको जो पैसेंजर साइड है वहाँ पे भी एक कीलेस एंट्री का जो रिक्वेस्ट सेंसर बटन है वो मिल जाता है। इसके अलावा अगर चाबी अंदर रह जाती है तो इस तरीके से आवाज़ करती है कि भाई चाबी अंदर है अपना बाहर निकाल लो, तो जैसे मैं बटन को दबाऊंगा तो कार अपनी लॉक हो जाएगी। अभी चलते हैं Hyundai क्रेटा के अंदर और देखते हैं बाकी फीचर्स। क्रेटा की बात करते हैं तो एक फीचर इसमें एक्स्ट्रा आता है, जैसे मैंने चाबी अपना जेब में रख ली है, मैं इसके पास जाऊंगा तो ये जो मिरर्स हैं अपना वेलकम करते हैं खुल के, तो यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर अपने को मिल जाता है, इसको दबा के हम कार को अनलॉक कर सकते हैं। पीपी की आवाज़ करती है। ऑटो की बैजिंग जो मैं आपको बता रहा था वो फेंडर पे दी गई है, उसमें पीछे एक साइड आपको मिलती है कि ऑटोमेटिक वेरिएंट हम चला रहे हैं। इसके डोर्स इतने हैवी फील नहीं होते जितने उसके फील होते हैं, यहाँ पे अपने को ऑटोमेटिक सीट को एडजस्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है। और इसमें एक्स्ट्रा फीचर जो अपने को मिलेगा वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। बॉस के स्पीकर्स इसमें मिल रहे हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल दोनों गाड़ियों में है, इसका डीकट स्टीयरिंग भी लाएगा, कार को स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी अगर बात करें तो इस तरीके की आती है भाई अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, यहाँ आप देख सकते हैं फ्यूल कोज वगैरह सारा कुछ इसमें पता चलता है। यहाँ से हम बाकी इन्फॉर्मेशन इसकी चेंज कर सकते हैं, टायर प्रेशर माउंटिंग सिस्टम से लेके कंपस वगैरह सब कुछ इसके अंदर आता है बना हुआ। इस तरीके का इसका गियर नॉब हो गया, गियर नॉब तो इसका ज़्यादा प्रीमियम लगता है भाई कुछ भी कहो। ड्राइव मोड हो गए, ये देखो पार्किंग, रिवर्स न्यूट्रल, उसका थोड़ा मैनुअल जैसा ही फील आता है ऑटोमेटिक वाले गियर नॉब में भी, इसका थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम सा ऐसा लगता है भाई आप कॉकपिट में बैठ गए हो। यहाँ पे ड्राइव मोड इसमें अंदर मिल जाते हैं, कम्फर्ट, स्नो वगैरह या फिर इको, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल आ गए अभी, तो ये देखिए स्नो मड सैंड ये सब आपको मिल जाता है। 10.25 इंच की टच स्क्रीन यहाँ पे क्रेटा आगे निकल जाती है, बड़ी टच स्क्रीन देख के ही कस्टमर्स को अपनी तरफ खींचती है Hyundai या सेल्टोस, टाटा का उस तरफ ध्यान नहीं है, टाटा सेफ्टी में ज़्यादा बिलीव रखते हैं। तो बिल्ड क्वालिटी वाइज कार देखोगे अपना मतलब हर चीज़ में सॉलिड फील होती है, ये नहीं सॉलिड फील नहीं होती, उससे नीचे नीचे सी फील होती है, जबकि आप इसके लिए भी 20 लाख रुपये पे करते हैं टॉप ब्रांड के लिए। बाकी यहाँ पे ऑटोमेटिक एसी हो गया, और इसकी प्लास्टिक क्वालिटी का अंदाजा मैं आपको दूं, ये देखो ये मेरे पैर से ऑटोमेटिक वाली गाड़ी है, कैसे हिलता है देख रहे हो आप, कोई जोर नहीं मार रहा हूं मैं पैर से, इससे क्या ही जोर लगेगा, देखो पूरा हिलता है भाई ये। और आज देखो आप यहां से बात कर लो और यहां से बात कर लो, मतलब ये चीज है बस जो Hyundai ने बिगाड़ दिया अपनी गाड़ी में, प्लास्टिक जो मेन यहाँ पे ठीक है प्लास्टिक इनकी, ये देखो यहाँ जो मेन चीज़ है वहाँ प्लास्टिक सबसे गंदी यूज़ की गई है,
तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें अगर आप एक गाड़ी खरीद रहे हैं। बाकी यहाँ पे ब्लू लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ पे सनग्लास होल्डर है, इसमें भी पैनोरामिक सनरूफ आती है, इसमें यहाँ पे आपको मिरर मिल जाएगा लेकिन लाइट नहीं है हैरियर की तरह। बाकी इसमें एयर प्योरीफायर आ जाएगा जो कि बकवास फीचर किसी काम का नहीं है। इसमें एक और चीज एक्स्ट्रा मिल जाती है, इसमें आपको मिल जाते हैं ये वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन जिसमें सीट्स में से भी हवा आती है। इसमें एक्स्ट्रा फीचर इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक का आ जाता है जो कि उसमें नहीं है, उसमें अलग तरीके की हैंड ब्रेक है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक उसके सफारी वेरिएंट में आती है, टाटा ने भी दी है इंट्रोड्यूस कर रखी है लेकिन सफारी में आती है, हैरियर में वो चीज नहीं आती है। थोड़ा सा इनको डिफरेंस करना था सफारी और हैरियर में इस वजह से। इसके अलावा स्पोर्ट्स मोड या फिर टेरेन मोड इसमें भी मिल जाते हैं, इसमें पेडल शिफ्टर्स भी आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्रूज कंट्रोल इसमें मिल रहे हैं, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स में आपको मिल रहे हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स नहीं है केवल ऑटोमेटिक इसके हेडलैम्प्स आते हैं। बाकी इसमें बोस के स्पीकर आ रहे हैं, सब वूफर आपको यहाँ पे मिल जाए। बाकी एम्बिएंट लाइटिंग आपको इसमें मिल जाती है रात के टाइम या पूरे में आपका ब्लू ब्लू सी लाइट जलती है जो कि रात में थोड़ा प्रीमियम फील सा देती है। पीछे का अगर आपको स्पेस दिखा दूं एक बार, तो स्पेस वाइज भाई इसमें देखो आप क्रोम डोर हैंडल मिल रहे हैं आपको, उसमें अपने को नॉर्मल बॉडी कलर डोर हैंडल्स मिलते हैं, इसमें ये वाली वो क्रोम नहीं आ रही है जो हैरियर में मिलती है अपने को। इसमें अपने को यहाँ पे विंडो कर्टेंस भी मिल जाते हैं, दोनों में वाइट लाइट आती है। इसके अलावा भाई इसमें स्पेस नहीं है, स्पेस हैरियर में ज़्यादा मिलता है, स्पेस इसके अंदर नहीं मिलेगा। एयर प्योरीफायर का आपको यहाँ पे मिलता है, ये टच है, ये अपना एसी वेंट हो गया, अपना यूएसबी चार्जिंग हो गया, और ऐसा लगता है भाई पूरा इसका मतलब स्पेस वाइज हैरियर ज़्यादा आगे इससे एनी टाइम एनी डे। यहाँ पे सॉफ्टेस्ट मटेरियल आपको यहाँ पे मिल जाएगा, उसमें वहाँ पे पकड़ने में जब आप पकड़ोगे उसको वहाँ पे यहाँ पे इधर दिया गया है, ये पेंट है पूरा अपना, ये अपने को लेदर फिनिश मिल जाती है और बोस की बैजिंग आपको पीछे करके मिलती है। तो यही भाई पार्सल तो दोनों में आ रही है, बीच में काम रहे दोनों गाड़ियों में आ जाता है। अब मेन बात करते हैं भाई इंजन ऑप्शंस के बारे में, तो यहाँ पे हैरियर इससे दो कदम आगे भाई। इसमें 1.5 लीटर का इंजन आता है डीजल, ट्रांसमिशन आता है इसमें 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, 115 बेस में निकालता है 250 Nm टॉर्क के साथ। भाई हैरियर की बात करते हैं तो बहुत बड़ा इंजन है, क्रायोटेक 170 बेस भी निकालता है, 2 लीटर का 2000 सीसी का इसके अंदर इंजन आता है, 170 bhp की पावर बहुत हो जाती है भाई। यही सेम इंजन सफारी में अपने को देखने को मिलता है। इसका जो पावर मतलब इतनी रिफाइंड तो नहीं है जितना हुंडई का है, लेकिन पावर वाइज अगर आप बात करते हो टॉर्क वगैरह आपको जो इसमें मिलता है वो एक नंबर है भाई। अगर आप माइलेज की बात करोगे ना, तो जितना बड़ा इंजन रहेगा आपको पता है कि उतनी कम माइलेज मिलेगी, तो इसमें माइलेज कम मिलती है अपने को। अगर आप ऑटोमेटिक में देखोगे प्रैक्टिकली 11-12 की देगा, ये दे देता है 18-19 की आराम से। अगर आप हाईवे पर इसको 80-90 चलाते हो तो थोड़ा कम इंजन है ना, सीसी वाइज अगर बात करें तो 15 cc का इंजन, 1497 का है 2B एक्यूरेट, तो इसमें अपने को सही एवरेज मिल जाती है और रिफाइनमेंट भी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन इसमें थोड़ी वाइब्रेशंस फील होती हैं। मेन बात कर लेते हैं इनकी प्राइसिंग की, तो ये 19.5 लाख रुपये की गाड़ी है, 23.5 लाख रुपये की गाड़ी है जिसमें आपको प्राइस के बारे में बताया। अभी मेन बात कर लेते हैं भाई इसकी सेफ्टी के बारे में, तो टाटा की गाड़ी में जो आपको सेफ्टी मिलेगी वो हुंडई क्रेटा में दूर दूर तक नहीं मिलेगी। अभी मेन प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, ये लैंड रोवर के प्लेटफॉर्म पर बनाई गई है गाड़ी, और ये अपना वही जो नॉर्मल किया एल्टोस है उसमें बनाई गई है जिसको 3 स्टार मिले वो भी पता नहीं कैसे कैसे। तो सेफ्टी वाइज वही हुंडई क्रेटा को आप अवॉइड करके टाटा हैरियर की तरफ जा सकते हैं। मैं अगर आपको एक पर्सनल अपना ओपिनियन दूं, तो अगर आप 20 लाख रुपए हुंडई क्रेटा की तरफ डालने जा रहे हैं ना, तो भाई ना डाल के टाटा हैरियर लें। अब आप कहेंगे क्या तो 23.5 लाख रुपये की गाड़ी है कैसे बता रहे हो, तो इसका एक XT प्लस वेरियंट आता है जो कि बहुत वैल्यू फॉर मनी है, उसमें आपको अपना पैनोरामिक सनरूफ से लेके बहुत मस्त मस्त फीचर्स मिल जाते हैं जो कि इसी प्राइस का आपको 20-20 के लगभग मिल जाएगी, तो वो देख सकते हैं। 2000 जो सीसी का इंजन है वो भी आपको मिलेगा और वो आपको हुंडई क्रेटा से बेहतर मिलेगी सेफ्टी वाइज भी चलाने के मामले में भी। तो ये थी भाई कंपैरिजन वीडियो, आपकी कौन सी पसंद रहेगी 20 लाख रुपये के अंदर, टाटा हैरियर या फिर हुंडई की क्रेटा, आप कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।